एक क्विकली सवाल कविता का ही लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि इनके पास आईजी पेट्रो के शेयर हैं 630 वाले, 100 शेयर, क्या करना चाहिए इनको? 630 वाले आईजी पेट्रो इनके पास हाँ जी। देखिए आई थिंक बेस आउट होके चलने की कोशिश कर रहा है, इसमें डाउट नहीं है। अच्छा पैटर्न बना के निकला है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन है इसमें यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो मैं इनको यही राय दूंगा कि ट्रेड में बने रहें, और काफी अच्छा एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन के बाद चला है तो ट्रेड में बने रहें। इसको 3 से 6 महीने और दें और दोबारा इसको हम तब रिव्यू करेंगे, बट फिलहाल आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और आई थिंक यहाँ पे इनको मैं एक स्टॉप लॉस भी दूँ 520 के नीचे, आई थिंक 519 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं, और मेरे ख्याल से फिलहाल ट्रेड में बने रहे। बट 3 से 6 महीने में एक बार दोबारा राय लें, अगर स्टॉक चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरी स्ट्रैटेजी जो भी एग्जिट स्ट्रैटेजी रहेगी उसके बाद 3 से 6 महीने के बाद उसको डिसाइड करेगी। ओके, 3 से 6 महीने बाद दोबारा इसको देखेंगे, स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है। सुरेंद्र गुप्ता जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर। जी सर मैंने IRCTC का लिया था 841 में 100 शेयर, हाँ तो उसको मतलब मैं लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं उसको होल्ड करूँ कि अभी कुछ लॉन्ग टर्म मतलब कितना कितने साल देंगे आप? लॉन्ग टर्म तो सर मेरा तो 2, 3, 4, 5 साल ऐसे चलता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। दो तीन दो चार चार साल तीन चार साल कितने समय पहले इसको लिया था आपने? सर इसको करीब मुझे 1.5 साल हो गए, तो एक एक साल से 1 साल हो गया करीब। उस 4 में से ये 1.5 साल घटा दूं क्या मैं? हाँ घटा सकते हैं सर। ओके सरवेन जी, 4 साल का होराइजन था, उसमें 1.5 साल निकल गए 0 रिटर्न। अब अगले 2.5 साल में सुरेन जी को रिटर्न दिलाइए। देखिए बड़ा डार्लिंग चहेता शेयर बन गया था, इसीलिए परफॉर्म पॉसिबली कहीं नहीं कर पा रहा है। कोशिशें बहुत की इसने बीच में भी, अभी भी 750 तक गया था, बट उस ब्रेकआउट को ये उस पर्टिकुलर रैली को होल्ड नहीं कर पाया, और हायर लेवल 780-800 कहीं उसको ब्रीच नहीं कर पाया। तो मैं इस स्टॉक के बारे में हमेशा से जो बोलते आ रहा हूँ कि भाई काफी अच्छा चला था जब हमने इसको बेचने भी बोला था, उसके बाद उसके पहले काफी अच्छा चला था, तो हमें भी लगा था कि 12-24 महीने का एक कंसोलिडेशन चलेगा, बट अब तो कहीं उससे थोड़ा ज्यादा टाइम वाइज कहीं थोड़ा ज्यादा लग रहा है, टाइम ले रहा है। तो आई थिंक मैं फिर भी यही अज्यूम करके चलूंगा कि 782 बिटवीन 550 की इसकी एक रेंज है। इनको मेरी राय यही रहेगी कि पॉसिबली अगर कोशिश 550-580 के आसपास किसी कारण से अगर कभी आता है तो आई थिंक वहां इनको थोड़ा एवरेज करना चाहिए, और जब अगर वो जो नया क्वांटिटी ये कर रहे हैं उसमें 540 का स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, तो नई क्वांटिटी जो आप करेंगे उसमें आप एक 540 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, बट अराउंड 580-550 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आपको थोड़ा एवरेज करना चाहिए, तब आपकी कॉस्ट नीचे आएगी, तब ये जो करंट रेंज है ये आपके लिए मीनिंगफुल हो जाएगी, तब जब ये वापस 750-780 की तरफ आएगा तो आप एक्चुअली प्रॉफिट में होंगे, वीवैप बेसिस पे, वेटेड एवरेज बेसिस पे आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, तब आपका माइंड भी और रिफ्रेश होकर अच्छे से चलने लगेगा कि क्या करना है। और जिस दिन 780-800 का ब्रेकआउट हुआ आई थिंक उस दिन स्टॉक को रोकना मुश्किल होगा, बट वो टाइम मुझे मालूम नहीं है, तो 3, 6, 12 महीने कितने और लग जाएंगे टाइम हमारे हाथ में नहीं होता, बट फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक है ये मैं बोल सकता हूँ, और नीचे में लेना चाहिए, नीचे में लेना चाहिए। और ये स्टॉक एक्चुअली मुझे ये बहुत आश्चर्यचकित करता है कि इसका बिजनेस बढ़िया है, अच्छी खबरें आती हैं, अभी एक खबर आई थी कि अमेजोन के साथ डेटा शेयरिंग भी हो रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद ये स्टॉक नहीं चल रहा, ये एक्चुअली बड़ी बड़ी भारी पहली। सुरेंद्र जी वेट करने के सिवा कोई अभी ऑप्शन दिखता नहीं, क्योंकि आपका लॉस काफ़ी हो जाएगा अगर आप इसमें से निकलेंगे, तो वेट करिए थोड़ा सा, चूँकि आप तो वैसे भी लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।